ग्वालियर में इको ग्रीन सफाई कर्मियों और फाइनेंस कंपनी रिकवरी एजेंटों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। दोनों कंपनियों के कर्मचारियों के बीच सड़क पर जमकर लाथपुसे चले। पुलिस के बीच पेचाव के बाद दोनों ही पक्षों के कर्मचारियों को थाने ले जाया गया। दरअसल गुरुवार को नगर निगम के लिए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली इको ग्रीन कंपनी के टिपर वाहन के जरिए काम में जुटे थे। इसी दौरान मलगड़ा चौराहे के पास सीरम फाइनेंस कंपनी के दो एजेंट पहुंचे और उन्होंने फाइनेंस वाहन को कब्जे में लेने की कोशिश की। इस दौरान अपनी पहचान बताए बिना ये सब करने पर जब ड्राइवर ने इसका विरोध किया तो दोनों ही रिकवरी एजेंट ने ड्राइवर के साथ बेतहाशा मारपीट कर मोबाइल छीन लिया और टिपर वाहन को ले गए। इस दौरान घायल ड्राइवर ने अपने साथी सफाई कर्मचारियों को कॉल करके बुला लिया। एक दर्जन से ज़्यादा नगर निगम की डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ी कितने पीछा कर दोनों रिकवरी एजेंट को पकड़ लिया और बीच सड़क पर जमकर लातकूसों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हाई वोल्टेज हंगामे की जब सूचना हजीरा थाना पुलिस को लगी तो वह भी मौके पर पहुंची। दोनों ही पक्ष के लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले आई जहां दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया है। कर्मचारियों और फाइनेंस कंपनी वालों में विवाद हुआ था, क्या पूरी कार्रवाई है? हजीरा थाने क्षेत्र में जो है नगर निगम की जो कचरा वाहन है डोर टू डोर उठाते हैं, उनके कर्मचारियों के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई है, तो नगर निगम के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में हजीरा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे। इसी बीच फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी आए, उनका कहना भी ये है कि इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट करी है। तो दोनों पक्षों की बात सुनकर और वैधानिक कार्रवाई हजीरा पुलिस द्वारा की जा रही है।